ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ लव बब्बर का डीएसए कोर्स। मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी इस कोर्स को रिव्यू करने के लिए, बट मैं वेट कर रहा था कि ये कोर्स थोड़ा सा मैच्योर हो जाए एंड फिर इसका रिव्यू करूँ। एंड नाउ फाइनली द टाइम हैज कम। इससे पहले मैंने 5 कोर्सेज रिव्यू कर रहे हैं, जीएफजी का सेल्फ पेस्ड डीएसए कोर्स, कोडिंग निंजास का डीएसए कोर्स, पेप कोडिंग का डीएसए कोर्स, प्रतीक नारंग सर का डीएसए कोर्स एंड कुणाल कुशवाहा का डीएसए कोर्स। एंड ये सारे ही कोर्सेज काफी अच्छे हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने लिए कोई रिसोर्स सेलेक्ट नहीं करा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सारी वीडियोज जाके देखो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे आपकी हेल्प होगी कि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओ। अब बात करते हैं इस कोर्स की, तो इस कोर्स को मैं रिव्यू करूंगा 5 पैरामीटर्स पे। पहला है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आता है लैंग्वेज यूज्ड, देन क्वालिटी। क्वालिटी को मैं डिवाइड करता हूँ 2 में, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड कंटेंट की एक्सप्लेनेशन क्वालिटी। उसके बाद आता है एक्स्ट्रास प्रोवाइडेड एंड फिर फाइनली कि आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज कर पाओगे कि नहीं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा कि क्या आपको ये कोर्स फॉलो करना चाहिए या नहीं। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स का कंक्लूजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ पाओ। सो विद दैट बीइंग सेड, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने ये कोर्स खोल लिया यूट्यूब पे। सबसे पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा तो एंड में जाके आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार ये टॉपिक तो रही गया, एंड स्पेशली अगर वो इंटरव्यू में आ जाए तो बहुत गुस्सा आने वाला है। तो इसलिए देख लेते हैं कि क्या ये कोर्स कंप्लीट है। सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड फ्लो चार्ट्स। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, मैंने एक्चुअली देख रखा है, इनमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं, तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती है इससे काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो ये लेक्चर 8 तक सारी चीज़ें लैंग्वेज स्पेसिफिक सिखाई गई हैं, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। उसके अलावा आपका जो मेन कोर्स है वो यहाँ से शुरू होता है लेक्चर 9 से। तो सबसे पहले आपके एरेज कवर्ड हैं एंड फिर आपका एरेज पे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो यार मेरे को इनका स्ट्रक्चर बहुत सही लगा, मैंने ये पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, काफ़ी सही लगा कि पहले ये थ्योरी बताते हैं एंड पेन पेपर एक्सप्लेनेशन है, पहले एक्सप्लेन करा उसके बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो अगर मैं अपना कभी कोई डीएसए कोर्स बनाता तो एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर होता, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो अपने एरेज कवर्ड हो गए, फिर ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी सही चीज़ है, शुरू में करवा दी कवर। उसके बाद आपकी आती है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो बाइनरी सर्च वगैरह और एंड उस पर क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए। फिर आपका सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो ये 3 मेजर सॉर्ट्स कवर्ड है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है, मर्ज सॉर्टिंग, वो इन्होंने आगे करवाई है रिकर्जन के सेक्शन में, तो वो ज़रूर कर लेना, यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं कहूँगा कि उसको बिल्कुल स्किप मत करना। मर्ज सॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट जो आप जावा में कलेक्शंस यूज़ करते हो तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जब आप लिखते हो किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए तो उसमें मर्ज सॉर्ट यूज़ होता है। एंड इस पर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे ही लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो मैं कहूँगा कि सॉर्टिंग में मर्ज सॉर्ट को डेफिनेटली मिस मत करना। एंड गुड थिंग इज़ कि उन्होंने आगे कराया हुआ है। तो इसके बाद आती है इनकी STL की वीडियो, ये देख सकते हो C++ में STL कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। फिर कुछ क्वेश्चंस हुए हैं, एंड मेरे को लगा था शुरू में जब मैं कोर्स देख रहा था कि इन्होंने स्ट्रिंग्स कवर नहीं करे, बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स कवर्ड हैं। एरे के बाद आपके स्ट्रिंग्स भी कवर्ड हैं, कैरेक्टर एरेज कवर्ड हैं, दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि स्ट्रिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीएसए में। उसके बाद आती है आपके पॉइंटर्स एंड थोड़ी मेमरी मैनेजमेंट, तो यार मैं कहूँगा कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको मेमरी मैनेजमेंट ही नहीं समझ में आई तो सपोज़ आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल पास कर रहे हो एंड फिर उस पर रिकर्स कर रहे हो, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये जो वेरिएबल मेरे को दोबारा ऑब्टेन हो रहा है ये पिछला वेरिएबल क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, पिछली वैल्यू क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, क्या मेरे को इसे पास बाय रेफरेंस करना चाहिए था, पास बाय वैल्यू। तो ये कुछ इंट्रिकेट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ आने चाहिए। एंड उसके अलावा पॉइंटर्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है C++ में स्पेशली, बिकॉज एरेज जब आप पास करते हो तो आप पॉइंटर्स के थ्रू भी पास कर सकते हो, नेम ऑफ द एरे इज पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। एंड पॉइंटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इसलिए मैं कहूँगा कि इनको जरूर देख लेना, एंड स्पेशली अगर आप C++ में आगे भी कोडिंग करना चाहो। अगर आप जावा में कोडिंग करना चाहते हो तो इसे काइंड ऑफ आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जावा वालों के लिए रेलिवेंट नहीं है, जावा खुद मेमरी मैनेज कर लेता है। फिर आती हैं आपकी ये मैक्रोस, ग्लोबल वेरिएबल्स, इसे देख सकते हो। फिर फाइनली रिकर्जन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड द गुड थिंग इज इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, आप देख सकते हो रिकर्जन के काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, एंड फिर फाइनली इनमें मर्ज सॉर्टिंग भी कराई गई है, फिर कोई कॉन्टेस्ट है,
आपका क्विक सॉर्ट भी रिकर्जन से यूज होता है जब उसमें पार्टीशन करते हैं, तो ये भी क्विक सॉर्ट भी आपका रिकर्जन में ही है। रिकर्जन पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करा गया एंड राइटली सो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो एरेज के क्वेश्चन, एरेज की नहीं सॉरी, आपके जो ट्रीज के क्वेश्चन होने हैं, जो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन होने हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके रिकर्जन के थ्रू सॉल्व होंगे। एंड इनफैक्ट डीपी में भी अगर आप रिकर्सिवली कॉल करते हो एंड मेमोराइजेशन यूज करते हो तो भी आपका रिकर्जन बहुत यूज होने वाला है। तो रिकर्जन को अच्छे से कर लेना, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो उसके बाद रिकर्जन के बाद आपका कवर हुआ लिंक लिस्ट, इसमें सारी सिंगली डबली एंड सर्कुलर कवर कर रखे इन्होंने। उसके बाद क्वेश्चंस कराए हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। लिंक लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है एंड इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा पूछता है लिंक लिस्ट से, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसको भी स्किप मत करना एंड इस पर भी आप ध्यान देना, स्पेशली ध्यान देना, लिंक लिस्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आता है स्टैक। स्टैक मेरे हिसाब से थोड़ा ईजी टॉपिक है ग्रास्प करना, तो इसको आराम से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है ना, इसको स्किप मत करना। लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया इन हिस्टोग्राम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक हार्ड क्वेश्चन भी है, तो इसको करोगे मज़ा आएगा। एक कॉन्सेप्ट है इसमें काफी कॉम्प्लेक्स सा, तो अगर इसे समझ जाओगे तो मजा आएगा करने में। उसके अलावा आपका आता है क्यूज, तो क्यूज का हाँ ये क्यूज इसकी कवर्ड है, तो क्यूज भी इन्होंने कवर कर लिया। फिर आपका ट्रीज भी कवर्ड है, बाइनरी ट्री कवर्ड है, आपका बाइनरी सर्च ट्री कवर्ड है। हर क्वेश्चन, हर इंटरव्यू में एक ना एक क्वेश्चन ट्रीज पे होता है, तो ट्रीज का टॉपिक भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर आता है आपका हीप्स। हीप्स पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आपको अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो डेफिनेटली हीप तो करना है, मिस नहीं करना इसे। एंड फिर आता है आगे हैश मैप। तो आप देख सकते हो कि ये जो कोर्स है अभी ये यहाँ पे ख़त्म है। इसकी अगर मैं लास्ट लेक्चर देखूँ कब निकला है, ये वाली तो कोई और कॉन्टेस्ट की वीडियो है, अगर मैं लास्ट लेक्चर देखूं तो ये 29th मार्च को निकला है, तो इसका मतलब काफ़ी रीसेंट है। आज क्या है, आज डेट है 7th अप्रैल, तो ये कोर्स रेगुलरली अपडेट हो रहा है, इसकी रेगुलरली न्यू वीडियोस आ रही हैं। तो कंटेंट में यानी कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इसके अभी तो इनकम्प्लीट है, बट स्टिल क्योंकि रेगुलर वीडियोज़ आ रही है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे आने वाले महीनों में, एक दो महीने में पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड बट फॉर नाउ आई वुड गिव दिस 3/4, जो इसकी वेटेज है 4 की, उसमें से मैं 3 दे पाऊँगा। बट जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आपको इसको ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना कि दिस इज अ फुल ऑन 4/4 मटेरियल। तो फिलहाल के लिए इट्स अ 3/4 बिकॉज कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, बट आगे देखते हैं कि क्या रहता है। अब चलते हैं हम लैंग्वेज के सेक्शन में। तो इस कोर्स में जो लैंग्वेज है, जो स्पोकन लैंग्वेज है, दैट इज़ हिंदी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो, इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड जो रिटन लैंग्वेज यानी कि जो कोड है वो है C++ में। अगर आप C++ नहीं जानते, अगर आप जावा, पाइथन इन सब में भी कोड करते हो, तो भी मैं करूँगा कि आप ये फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूँ कि लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आप कोड तो कहीं भी लिख लोगे, फॉर लूप को लिखने के कुछ ही तरीके हैं, पाइथन में थोड़ा अलग होते हैं, बट स्टिल यू कैन कन्वर्ट द लॉजिक इनटू एनी लैंग्वेज दैट यू वांट। तो अगर आपको लॉजिक इनका समझ आ जाए, आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लैंग्वेज का कभी भी बैरियर आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कहीं भी अच्छा रिसोर्स मिलता है, उसे फॉलो करो, फिर चाहे आपकी वो प्रेफर्ड लैंग्वेज में हो या नहीं। सो लैंग्वेज के लिए भी आई वुड गिव देम अ 1/1। अब बात करते हैं क्वालिटी की, एंड क्वालिटी को मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स में। सबसे पहले है प्रोडक्शन क्वालिटी, फिर आती है एक्सप्लेनेशन क्वालिटी। तो अगर प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो यार प्रोडक्शन क्वालिटी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पेन एंड पेपर एक्सप्लेनेशन है। एंड लव बबर इज़ अ लॉन्ग टाइम क्रिएटर, इससे पहले भी ये तो इनका कोड हेल्प चैनल है, इससे पहले भी इनके नाम का ही एक चैनल है लव बबर, जिसपे ये वीडियोज़ निकालते हैं। एंड इनकी वीडियोज़ टॉप क्वालिटी की होती है, हाई रेज वीडियोज़ होती हैं, हाई रेज आपकी ऑडियो होती है, उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो उस फ्रंट पर यू कैन बी निश्चिंत। एंड फिर बात करूँ अगर एक्सप्लेनेशन क्वालिटी की, तो यार एक्सप्लेनेशन क्वालिटी मेरे को काफ़ी सही लगी। मैंने इनकी खुद एक दो वीडियोस देखी एंड मेरे को तो इनसे समझ आ रहा था। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि इनका स्ट्रक्चर सही है, यानी कि पहले पेन एंड पेपर में भी पूरी आपको थ्योरी बताते हैं। अगर मैं देखूं जैसे कि यहाँ पे हीप्स का टॉपिक है, तो सबसे पहले हीप्स समझाया गया है, वीडियो देख सकते हो आप कितनी लंबी है। उसके अलावा जब ये क्वेश्चंस करते हैं तब इनकी वीडियोज़ थोड़ी सी छोटी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया गया है एंड हर क्वेश्चन करने से पहले उसकी इंट्यूशन पेन एंड पेपर पर समझाई गई है। तो इससे होता क्या है कि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, आपको समझ आता है कि यार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे इंट्यूशन क्या थी, उस सॉल्यूशन की इंट्यूशन क्या थी। एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं होता, आप रट भी नहीं सकते, आपको इंट्यूशन समझनी है एंड आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए, एंड ये कोर्स वो बहुत अच्छी तरह करता है। सो फॉर एक्सप्लेनेशन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन क्वालिटी आई कैन टोटली गिव देम अ 3/3।
तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रास की, कि इस कोर्स में एक्स्ट्रास क्या क्या प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कि नोट्स या फिर गिटहब के लिंक्स। तो अगर आप इनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे किसी भी वीडियो की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह के अलावा नोट्स का लिंक है, तो एक मैं ये खोल लेता हूँ। उसके अलावा सारे गिटहब का लिंक है जिस पे सारा आपका कोड पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इनका नोट्स का सेक्शन। तो नोट्स में जितने भी टॉपिक्स कवर्ड है सबके नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में हैं, एंड ये जितने भी हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसमें यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे को पता है कि एक क्वेश्चन को समझाने में, एक वीडियो को बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, एडिटिंग में, एक्सप्लेनेशन में, फिर आपके लिए एग्जाम्पल्स ढूंढना। तो मैं कहूँगा कि यार दिस इज़ ब्रिलियंट, दिस इज़ मोर देन यू कुड आस्क फॉर। इसके अलावा इनके यहाँ पे जितने भी कोड करते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशनड है, तो आप ये भी जाके देख सकते हो। मैं एक यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। तो ये सारा C++ में, जैसे मैं कह चुका हूँ कि जावा में भी आप कर सकते हो ट्रांसलेट खुद ही। तो इस चीज़ में ही डिजर्व्स अ 2/2, या फिर जितना ही मैंने वेटेज रखा मेरे को याद नहीं है, बट इसमें फुल मार्क्स यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करना इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन, एंड इन्होंने इतनी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को तो डेफिनेटली लाइक करना है, जितनी भी आप इनकी वीडियोज़ देखो उसको लाइक करना, एंड इनफैक्ट मेरी भी ये वीडियो लाइक कर देना, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स द क्रिएटर अ लॉट। जब वो इतनी मेहनत डाल रहे हैं तो योर स्मॉल लाइक कैन गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज इससे चैनल को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोज़ को जितनी भी इनकी देखो डेफिनेटली लाइक करना। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ की। तो यार क्योंकि ये कोर्स YouTube पे है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लॉन्ग टर्म यूज़ करने में। इट्स टोटली फ्री, इट्स 24/7 अवेलेबल फॉर यू, आप कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 6 महीने की लिमिट है, इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस कोर्स को डाउनलोड करके रख लो, कल को अगर ये चैनल हैक वगैरह हो जाता है या फिर किसी वजह से हट जाता है तो आपका कॉन्टेंट भी चला जाएगा। इसको डाउनलोड करो एंड रख लो, बट मैं कहूँगा कि देखना यूट्यूब पे, क्रिएटर की काफ़ी हेल्प होती है, व्यूज़ बढ़ते हैं, ऐड का पैसा आता है, जो भी है क्रिएटर की काफ़ी हेल्प होती है। तो इसको देखना यूट्यूब पे, बट हाँ एक बैकअप बना के रख लो, द कंटेंट इज प्योर गोल्ड। तो अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो यार कंक्लूजन ये है कि इसमें लैंग्वेज सही है, क्वालिटी सही है कंटेंट की, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, आपको गिटहब के लिंक्स प्रोवाइड करे गए हैं, एंड ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी इनकम्प्लीट है। नॉर्मली इस सिचुएशन में ये सजेस्ट करता कि आप इसको फॉलो मत करो, क्योंकि पता नहीं आगे ये कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, बट जैसे मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वीडियोज़ काफ़ी जल्दी आ रही है, काफ़ी रेगुलरली ये कोर्स अपडेट हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप इसे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक हफ्ते में सारा कोर्स अभी तक जितना अपलोड हुआ है वो ख़त्म कर दोगे। अगर आप इसे सही से फॉलो करते हो तो 1 से 1.5 महीना आपको डेफिनेटली लगने वाला है। अगर आप एक एक टॉपिक को समझते हो, उस पर खुद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको 1 से 1.5 महीना डेफिनेटली लगेगा। एंड इनफैक्ट अब तो कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए, तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, एंड उस टाइम में मेरे को लग रहा है कि 2 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, एंड जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हुए हैं, जैसे अभी प्रेजेंट मोमेंट पे इनके हैश मैप्स तक कवर हुए हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि यार हैश मैप से ऊपर मोस्टली नहीं पूछा जाता है, यानी कि जो टॉपिक्स बचे हैं जैसे कि DP एंड ग्राफ्स आपका बचा है, तो ये काफ़ी एडवांस टॉपिक हो जाते हैं एंड मेरे से कम ही पूछे गए हैं टॉपिक्स। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो, बट इतना अगर आप कर लोगे तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हो। बट मैं ये कहूँगा कि वो टॉपिक्स भी कर लेना, अगर इनकी वीडियोस नहीं आती है तो कहीं और से कर लेना, बट फॉर नाउ एज इट सीम्स मेरे को लग रहा है इनकी वीडियोस आ जाएंगी एंड ये आपको कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि इस कोर्स को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। तो दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ लव बबर्स DSA कोर्स। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे अपना डिसीजन लेने में वेदर टू फॉलो इट और नॉट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। इसके अलावा आप बताओ कि मैं अगला कोर्स कौन सा रिव्यू करूं ताकि आपकी हेल्प हो सके, एंड इनफैक्ट जितनी भी मैंने प्रीवियस रिव्यूज करे उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दूंगा, अब वो कोर्स वो रिव्यूज जाके देख सकते हो, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।